हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस एक और वीडियो में। आज देखो, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, थ्योरी पोर्शन जो है अपन इस चैप्टर का आज खत्म कर देंगे और फिर जो है क्वेश्चन आंसर्स खुलेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को रैप अप करके अपन फिजिक्स के किसी चैप्टर की तरफ चलने वाले हैं। तो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सेफ हो अपने घर पे। तो हमारा प्रोसेस, हमारा जो टॉपिक है आगे वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने बाकी जो सिस्टम्स थे वो तो पढ़े ही हैं, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि किडनीज कहाँ पर है, स्ट्रक्चर क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का और किसका कुछ क्वालिटी है या खास बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, या फिर जो यूरेटर्स थे उनका लेंथ कितना है, जो किडनी है उनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट वगैरह कितना है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। तो आज हमें उसके अंदर थोड़ा सा डुबकी लगानी है, गोता लगाना है इस टॉपिक के और समझना है कि असल में अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, या जो हम लोग बोलते हैं मैम मे आई गो टू टॉयलेट, तो वो टॉयलेट जो है वो कैसे बन रहा है, या फिर जो पी करते हैं, या बच्चे बोलते हैं ना सूसू आई है बच्चे को, तो वो सूसू कैसे बन रही है, आज हम इसको समझने वाले हैं। कुछ तो बहुत हो गए तो मुझे पता है, चलो खैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारी बुक में ये हमें एक डायग्राम दे रखा है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे किडनी के अंदर क्या होते हैं, फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और ऐसे फिल्टरिंग यूनिट्स या ऐसे जो नेफ्रॉन हैं वो कितने होते हैं, कितने होते हैं, देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। दो में नहीं, दो में मिला के तो 2 मिलियन हो गए, तो 1 मिलियन के लगभग नेफ्रॉन्स हैं और एक नेफ्रॉन इतना बड़ा है, तो ये अपने आप में हैरान परेशान कर देने वाली बात है कि भैया हमारे बॉडी का आर्किटेक्ट है कौन, मिलवाओ तो सही कभी उससे। तो देखो क्या लिखा है अपन ने, ये अपनी बुक का ही डायग्राम है जो अपन ने लिया है। तो सबसे पहला क्या था, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज व्हाट, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी की, हमारी बुक में ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, जैसे लंग्स में जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, एल्वियोलाय, समझा था हमने, खूब सारे एल्वियोलाय हैं, क्रोर्स एंड क्रोर्स एल्वियोलाय हैं, तो वैसे ही हमारे किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। फिर इसके बाद हम यहां पर कह रहे हैं दिस इज द प्लेस वेयर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस, यही वो जगह है एग्जैक्टली किडनी के अंदर जहां पर क्या बनता है, यूरिन फॉर्म होता है। तो अपन बढ़ रहे हैं आगे, इस डायग्राम को ध्यान से आप लोग जो है ऑब्जर्व करो। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है किडनी का हमारी बॉडी में। देखो यहाँ पर ये एक अच्छी सी बुक में से मैंने पिक्चर क्लिक करके खुद ने आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप सोचो कि किडनी के ऊपर क्या है, ये सब बात की बातें हैं, अगले चैप्टर्स में भी इन पर जिक्र होगा, अपन बात करेंगे। ऐसा कुछ डायग्राम हमने बनाया है और एक किडनी को बाहर से दिखने में तो ऐसी दिखेगी, इसको ऐसे अंदर से जब देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इस डायग्राम को वापस से जूम करके थोड़ा सा दिखाया है, ये है एक नेफ्रॉन, एक टिपिकल नेफ्रॉन का डायग्राम। तो ऐसा हमें एग्जाम में बनाने को भी बोल सकता है, तो लेट्स लर्न टू ड्रॉ नेफ्रॉन, एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ बनाते बनाते हम इसका जो मैकेनिज्म है उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग भी खाली पेपर, पेंसिल, रबर अपने हाथ में ले लो। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, नेफ्रॉन को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें एक कप ड्रॉ करना है। कप का मतलब है एक सी शेप का कप, कुछ इस तरह का, और पीछे से ये खुला हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करने हैं, टेढ़े मेढ़े पाइप ड्रॉ करने हैं, और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करने में तो आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे पता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम टेढ़ा मेढ़ा कर लेना भले ही, क्योंकि इसको डबल भी आप ही को करना है, तो मेहनत फिर आप ही से होनी है बाकी भी, गॉट इट, इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, इस पाइप को नीचे की तरफ लेकर के आना है, थोड़ा सा मोटा पाइप हमें यहाँ बनाना है, और फिर इस पाइप को हमें ग्रेजुअली पतला कर लेना है, और एक लूप हमें इस तरह से बनाना है, गॉट इट। तो ये इस तरह से हमें इस पाइप को मोटा करके थोड़ा लाना है यहाँ पे, ग्रेजुअली इसे हमें पतला कर लेना है, और इस लूप को कंटिन्यू करना है, यहाँ तक लाना है। अब हमें इस लूप को आगे
थोड़ा सा और मोटा कर देना है इस तरह से, और फिर हमें इसको वापस से टिंग 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 ऐसे घुमाना है, घुमावदार, बहुत ज़्यादा घुमावदार मत बना देना क्योंकि बना तो ना तो तुम्हें ही है, इस तरह से। और इससे हमें आगे ले जाना है और एक पाइप हमें और बनाना है, तो वो वाला पाइप भी चलो मैं सेम कलर से बना रहा हूँ क्योंकि एक बार के लिए तो अपन यूँ ही सोचें कि आपके पास में भी तो एक ही पेंसिल है, मान लो इसमें और भी थोड़े से जो सिक्रीशन है वो आता है, तो इसको भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्योंकि पाइप्स वहां पे कोई स्केल से नहीं बने हुए होते, तो दस वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मैं आपको बताता हूँ, अभी पूरा मैकेनिज्म भी बताऊंगा। अब हमें यहाँ पर, मैं पिंक से बना रहा हूँ, वैसे रेड से बनाना चाहिए, चलो तो रेड से बनाते हैं अपन। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस मार्कर को मोटा कर रहा हूँ, विल टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस। यहाँ से एक मोटा सा पाइप आता है और ये यहाँ पर एंटर करता है। अब जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो ये पतले पतले पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब थोड़े से पतले पाइप में ये बदल जाता है और इस तरह से अंदर उलझन रहती है बड़ी, और यहाँ से मान लो ये वापस निकलता है। तो जो पाइप अंदर आया है वो थोड़ा मोटा है और जो पाइप आगे बढ़ रहा है वो थोड़ा सा पतला है। तो चलो अब ये एक नेफ्रॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया है, अब मैं आपको बेसिक बेसिक सब कुछ समझाते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले जो ये रेड कलर का हमने पाइप बनाया है ये क्या है वो समझते हैं। ये है हमारे पास में अफेरेंट, AFFERENT आर्टीरियोल, ARTERIOLE afferent arteriole। ये कहाँ से आ रहा है, दरअसल क्या है हमारी किडनी में है ना कुछ एक ब्लड बह रहा है, ब्लड की कोई ब्रांच, और वो ब्रांच भी किसकी है, आर्टरी की ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो रीनल वर्ड है ना मेडिकल साइंस में ये हमेशा किससे रिलेट करता है, किडनी से। तो रीनल मतलब आप समझ जाना किडनी। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में रीनल आर्टरी बह रही होती है कहीं खून का मोटा पाइप, उसमें से एक पतली ब्रांच, पतली सी ब्रांच इसमें निकल करके आ रही है और इसको हम लोग बोल रहे हैं अफेरेंट आर्टीरियोल। अब होता क्या है कि ये जिस कप में जा रही है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, 3D कप जैसा, ऐसा बॉल कटा हुआ है मान लो थोड़ा सा, इस कप जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्स्यूल। अब ये बोमन पता नहीं कौन है बट इसको ऐसा बोलते हैं हम लोग। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारा अफेरेंट आर्टीरियोल आया है तो ये नस है, यूँ समझ लो ना खून भाग करके ला रही है, आर्टरी की ब्रांच है, तो वो पतली 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 ऐसे ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है और इस पूरे गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये हमारी बुक में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें ये काफी कुछ उन्होंने देकर के समझा रखा है। अब यहां से जो पाइप बाहर निकलता है, ये वाला पाइप जो आप देख पा रहे हो यहां पर, जो वापस से बाहर निकल रहा है ब्लड को लेकर के, इसको हम लोग बोलते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलते हैं, इफेरेंट आर्टीरियोल। ये अफेरेंट एंट्री वाला तो पहले ए आएगा, फिर ए बी सी डी में ही आता है, तो ये इफेरेंट आर्टीरियोल। तो समझना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ पर इसमें, लेकिन इसमें वेस्ट है। अच्छा वेस्ट कैसा कैसा है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये जो चीज़ें हैं जो हमें बॉडी से बाहर निकालनी है टॉयलेट में, और साथ ही साथ में इसमें तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, ग्लूकोज भी है, बहुत तरह तरह के आयंस भी हैं जो हमें बाहर नहीं निकालने, काफ़ी सारा पानी भी है वो भी देखेंगे हमें कि कितना बाहर निकालना है कितना नहीं निकालना है। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही ब्लड एंटर करता है ना तो ये कप जो है ना एक तरह से उस पर प्रेशर लगता है, एक तो प्रेशर इस कारण भी लगता है क्योंकि पाइप जो एंटर करता है वो तो मोटा होता है लेकिन जो बाहर निकलता है वो पतला होता है, तो पाइप मोटे में से अगर पतले पाइप में जा रहा है कोई फ्लूइड तो क्या होगा, पतले वाले पाइप की दीवारों पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि उस ब्लड पर जो भी सब कुछ है उस पर प्रेशर लगता है
और ये जो कप है ना, फिर कप की दीवारों में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे मान लो एक कप है, इसमें से पाइप जा रहा है ऐसे 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 करके, तो इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो क्या होगा, पतले जो हल्के हल्के फुलके फ्लूइड्स है ना, प्रेशर जब ब्लड पर लगेगा तो वो हल्के फ्लूइड्स दीवारों की तरफ चले जाते हैं, भारी तो बीच में रह जाते हैं, फ्लो करते हैं। हल्के जो प्रोटीन्स हैं या और चीज़ें हैं तो वो दीवारों की तरफ फैलती पानी, तो वो जो है इस कप की, जैसे मान लो यही है वो कप, तो वो इस कप की दीवारों में से छन करके, फिल्टर होकर के, पहला स्टेप फिल्टर होकर के इस पाइप में आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ये जो पाइप हमने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये जो पतला पाइप है यहाँ पर, ये जो टेढ़ा मेढ़ा हमने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके तीन हिस्से हैं, इसको हम लोग बोलते हैं PCT। किस वाले हिस्से को? इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं PCT, या इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये सब कुछ यहां से आगे बढ़ता है, यहां तक जाता है, और इस वाले पाइप के इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनली या हेनले। और फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या है, ये वाला पाइप का हिस्सा है, और इस पाइप के हिस्से को हम लोग बोलते हैं DCT, या इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये इस तरह से, अब ये आगे जाके यूरिन फाइनली वैसे तो इस डक्ट में इकट्ठा होता है, जिसे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, लेकिन तुम खुश मत होना, अभी भी कुछ एक चीज़ें आप लोगों को बताना बाकी हैं, तो यहाँ ध्यान दो। चलो, तो ये बेसिक समझ में आया आपको। अभी क्या हुआ, हमने जो समझा उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज, थोड़े प्रोटीन, थोड़े विटामिन, थोड़े मिनरल, थोड़े हॉर्मोन्स, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़े आयंस, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी यूरिन। मतलब यूरिन बना है, सुसु बनी है अभी, लेकिन वो प्रॉपर सुसु नहीं है, ये अभी थोड़ा इसमें क्या काम की चीजें भी चली गई हैं, वो काम की चीजें हमें वापस लेनी है, रीअब्सॉर्ब हमें इसमें से करनी है। तो यहां पर समझना, ये जो बनता है प्राइमरी यूरिन, या जिसको हम लोग फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, जो इससे आया है ग्लोमेरुलस से यहाँ पर, या वुमन कैप्स्यूल से यहाँ पर आया है, इसको पता है इसका अमाउंट कितना होता है, एक दिन में ये कितना फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में बनता है? तो आपको जान करके हैरानी होगी कि एक अडल्ट मेल में ये वाला फिल्ट्रेट जो है 180 लीटर्स अ डे बनता है। एक दिन में कितना बनता है? 180 लीटर, और एक फीमेल में लगभग 150 लीटर तक बनता है। कैन यू बिलीव दिस? लेकिन हम लोग इतना टॉयलेट नहीं करते, अगर हम इतना तो क्या 10 लीटर भी एक दिन में टॉयलेट कर दे, 20 लीटर, तो हम मर सकते, बहुत जल्दी मर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन हम लोग टॉयलेट कितना करते हैं एक दिन में? लगभग 1 से 2 लीटर के बीच में, लगभग 1.8 लीटर हम लोग अ डे, 1% इस प्राइमरी फिल्ट्रेट का जो है वो हम लोग यूरिन में बाहर निकालते हैं। बाकी सारी चीजें इस पोर्शन में, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में क्या होंगी? रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे काम करता है, अब आप वो देखो यहां पर। तो अब ये जो इफेरेंट आर्टीरियोल है, इसमें आगे बढ़ रहा है, खून तो है ही इसमें, लेकिन और भी सामान है ही, तो अब धीरे धीरे ये सारा जो है, यहाँ पर रेड कलर वापस ले लेते हैं अपन, ये यहाँ पर कैपिलरीज की फॉर्म में इसको क्रॉस करते हुए जाता है, इसको छूते हुए, इन ट्यूब्स को छू छू करके निकलता है ये खूब सारा। तो एकदम डिट्टो मेरे जैसा बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इस तरह से पूरा इससे आगे पीछे से होकर के निकलता है। तो जहाँ पर मैं ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो पीछे से आ रहा है, जहाँ मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब वो ऊपर से ही निकल करके आ रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो। और रास्ते में क्या होता है, एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। एक्सचेंज नहीं होता, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है। एक्सचेंज बोलना गलत होगा, क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन। तो देखो, तीन स्टेप्स हैं जिसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास में, अगर हमने नोटिस किया तो वो है हमारे पास में फिल्ट्रेशन। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर से। क्या है पहला स्टेप हमारे पास में? फिल्ट्रेशन। यही चीज हम थ्योरी में पढ़ेंगे फिर इसके बाद में, फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे हमारे पास में क्या हो रहा है, सिक्रीशन। दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, अब सुनना, देखो क्या हो रहा है यहां पर।
कि रीअब्सॉर्प्शन, तो यहाँ पर जैसे आगे बढ़े तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका रीअब्सॉर्प्शन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में काफ़ी सारे आयन्स हैं, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, या मैग्नीशियम आयन है, या उसके अलावा ग्लूकोज है हमारे पास में, या उसके अलावा हमारे पास में बाइकार्बोनेट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें हैं जो इसमें चली गई हैं, साथ ही साथ में पानी भी है जिसको वापस ले लेना चाहिए, ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको तो ले ही लेना चाहिए। तो ये आगे आगे जो कैपिलरी चल रही है ना, इन कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसका अगर आपको 40% भी याद हो जाता है ना, तो आपके 100 out of 100 आ जाएंगे साइंस में एग्जाम में। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ गया है तो आप ये मान करके चलो कि आपका जीवन ही सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ देखो अब आप लोग कि क्या होता है, ये रेड वाला पाइप जब आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब ये पाइप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये ऐसे पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका ब्लड अब कैसा हो गया है, बोलो कैसा हो गया है इसका ब्लड, आपको अच्छे से पता है, डी ऑक्सीजनेटेड, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसका हो गया है। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता है। और ये जो पीसीटी डीसीटी को हमने अलग क्यों किया है, आप में से सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है, तो उसका रीजन बस यही है कि अलग अलग पोर्शन में अलग अलग मटेरियल जो है उसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लूप ऑफ जो हेनले है, इसमें सबसे ज्यादा वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, फिर बाकी चीजों का यहाँ भी होता है, कुछ स्पेसिफिक सामान का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ भी होता है, और कुछ एक सामान का रीअब्सॉर्प्शन इस कलेक्टिंग डक्ट में से भी होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो 65% जो काम की चीजें ना उसका रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं प्रॉक्सिमल का मतलब, या जो कॉन्वोल्यूटेड जो वर्ड है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऐसे कॉइल्ड, घुमा हुआ, तो बहुत ज्यादा घुमा हुआ ये टेढ़ा मेढ़ा पाइप होता है। और फिर यहाँ पर फाइनली क्या होता है, यहाँ से ये जो है ब्लड वेसल वापस चली जाती है। अच्छा कहाँ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वीन की तरफ जाएगी, ब्लड को लेकर के रीनल वीन की तरफ लेकर के जाएगी और उसमें उस ब्लड को डाल देगी। अब इसके पास जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। लेकिन खुशी की एक बात ये है यहाँ पर कि इस ब्लड में वापस से काम की चीजें सारी की सारी आ चुकी हैं, और जो वेस्ट है वो सारा का सारा टॉयलेट वाला जो वेस्ट है इस व्हाइट वाले पाइप में से होकर के इस कलेक्टिंग डक्ट में जा चुका है। और ऐसे ही खूब सारे जो नेफ्रॉन है वो इन कलेक्टिंग डक्ट में और भी अपना जो यूरिन जो बना है उसको डालते हैं, और फिर ये आगे जाकर के फाइनली आगे जाकर के किससे, यूरेटर की तरफ ले जाते हैं सारे यूरिन को। यूरेटर फिर उसको बहा करके कहाँ ले जाते हैं, आपको पता है, यूरिनरी ब्लेडर में ले जाते हैं, वहां से हम सुसु आई है करके उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं जब भी हमें अर्ज फील होता है। तो ये बस है हमारे पास में, वीन की ब्रांच है, रीनल वीन की ब्रांच है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी बुक में इस पोर्शन को बोला है रीनल ट्यूब्यूल। वैसे इसके नेफ्रॉन के हम दो हिस्से करते हैं, एक तो ये वाला बोमन्स कैप्स्यूल वाला, और फिर उसके बाद ट्यूब वाला हिस्सा। तो इस ट्यूब वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। समझ में आई क्या? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। फिर भी मैंने कोई स्पेलिंग अगर गलत की हो, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने यहाँ पर लेफ्ट किडनी की जगह लेफ्ट राइट लिख दिया था, तो ऐसा कभी कुछ एरर हो तो आप प्लीज़ उसको माइंड मत करना, और खुद से उसको ठीक करके आप आगे बढ़ सकते हो। मैं हट जाऊँगा, आप आराम से ये सब कुछ जो है स्क्रीन को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हो और अपनी कॉपी में बना सकते हो। तो अब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, जो हमने लिखा है उसको ही आ जाओ एक बार हम लोग समझते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया, दिस टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स। तो क्या टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स? यूरिन फॉर्मेशन। टॉयलेट कितने स्टेप्स में बन रहा है? थ्री स्टेप्स में। पहला स्टेप देखो क्या है हमारे पास में, इट्स वेरी सिंपल, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज, यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन। वेरी सिंपल। फिल्ट्रेशन क्या? छन्ना। तो छन्ने का कहाँ हो रहा है? यहाँ तो वैसे ज्यादा नहीं लिखा, आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर है। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन बोमन्स कैप्स्यूल। बोमन्स कैप्स्यूल में जो ब्लड आता है उस पर प्रेशर लगता है, क्योंकि वो छोटे पाइप्स में चला जाता है, और फिर क्या होता है, जो लाइट वहाँ पर कुछ एक प्रोटीन्स हैं या जो वेस्ट है या काफ़ी सारा जो पानी है वो उसमें अंदर
चला जाता है परमिएबल मेम्ब्रेन से और प्राइमरी यूरिन बन जाता है, जिसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यही प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन, छलनी, छान रहे, तो छालने का काम हो रहा है वहां पे। अब हम लोग घर पे जब चाय बनाते हैं तो मम्मी क्या करती है, चाय छलनी में ऐसे हाथ से उसको दबाती है, लास्ट में ही छान लेते हैं पूरा, तो फिर थोड़ा फिर दबा के निकालते हैं। तो यहाँ पे भी दबाने का भी काम हो रहा है। तो दबा कौन रहा है, मान लो ग्लोमेरुलस, या जो ग्लोमेरुलस में प्रेशर लग रहा है और जो बोमन्स कैप्सूल है उसमें। तो पहला स्टेप है छानना। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास में, यहां ध्यान दो आप, रीअब्सॉर्प्शन। तो रीअब्सॉर्प्शन, देखो अब्सॉर्प्शन कहां पर हमने पढ़ा था, अब्सॉर्प्शन हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि वहां पर जो फूड है डाइजेस्ट हो जाने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम इलियम से क्या होता है, अब्सॉर्ब होता है बॉडी में, विलाय या विलस हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से। तो यहां पर क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन, समझना। जो हमारा कैपिलरीज है या जो हमारा जो ट्यूबुलर पार्ट था या नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन में एक बार अगर कुछ चला गया ना तो यूं समझो वो बॉडी से बाहर चला गया यार, वो सूसू में बाहर चला जाएगा अभी, तो उसमें से वापस ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस रीअब्सॉर्प्शन, नॉट अब्सॉर्प्शन। फिर क्या कह रहे हैं, सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर विच आर फिल्टर्ड अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस वेस्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड। जो नाइट्रोजन वाले वेस्ट के साथ में इतनी सारी काम की चीजें चली गई थी, ग्लूकोज चला गया था, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, उसका रीअब्सॉर्प्शन करना पड़ता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअब्सॉर्प्शन। कहाँ होता है, कैपिलरीज से होता है, ट्यूबुलर पार्ट के साथ चलते चलते होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर भी क्वेश्चन नहीं, कैसे होता है, इन डेप्थ डिटेल हमें समझना है, तो बेटा फिर आप बायोलॉजी लेंगे बड़ी क्लासेस में, डॉक्टर बनेंगे आप, वहां समझेंगे इस चीज को। थर्ड है हमारे पास में सिक्रीशन। तो क्या होता है, जो रीअब्सॉर्ब्ड कंपोनेंट्स हैं, वेस्ट आर सिक्रीटेड इनटू द ब्लड। जो रीअब्सॉर्प्शन किया जिन काम की चीजों का, उसको हमने सिक्रीट कर दिया कहां पर, ब्लड में, कि भैया ब्लड में लो, इसको वापस ले जाओ आप, है ना, अपने बॉडी में काम की चीजें ये वाली। द यूरिन फ्लोस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। और जो यूरिन है, जो टॉयलेट है, जो सूसू है, वो ट्यूबुलर पार्ट में किडनी के, नेफ्रॉन के फ्लो करके कहाँ चली जाती है, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है मेरे दोस्त, सिक्रीशन। क्या कहलाता है, सिक्रीशन। गॉट इट, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये थ्योरी थोड़ी सी लिखी हुई है, एज द ब्लड पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस इनसाइड द नेफ्रॉन, ब्लड प्रेशर पुशेज वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू बूमेन्स कैप्सूल थ्रू अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। कि जब ब्लड जो है कहां से पास कर रहा है, देखो यहां पर बूमेन्स कैप्सूल, या इसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोमेरुलस, अंदर वो जो गुच्छा बनाया था ना ऊपर ने, वो इतना सारा ब्लड वेसल्स का, उसको कह रहे हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। तो जब वहां से ब्लड पास करता है तो ब्लड प्रेशर जो है उसको पुश करता है, किसको पुश करता है, वाटर को और सॉल्यूट्स को, पानी को और जो छोटे छोटे सॉल्यूट्स है उनको पुश करता है, जोर लगाता है थोड़ा सा, फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। कहां से कहां, वो जो पतले पतले पाइप है ना, 2000 कैपिलरीज, उनमें से उसको फोर्स लगाता है और वो कहां चला जाता है, वुमेन्स कैप्सूल में चला जाता है, इधर वो पाइप वाला कप में चला जाता है उधर वो, फिर ठीक है, थ्रू अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और ऐसा कहां से होता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मतलब एक पतली सी छन्नी की जैसी दीवार में से ऐसा होता है। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स वाटर्स एंड स्मॉल सॉल्यूट्स आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। क्या ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, छानने का काम कर रहा है। देखो क्या लिखा है अपन यहाँ पे, फिल्टर्स क्या छानता है, वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, खून में से छोटे छोटे जो सॉल्यूट्स है वो, और साथ ही साथ में जो वाटर है उसको छान लेता है, अलग कर लेता है टॉयलेट को, जो बड़े बड़े ब्लड सेल्स हैं उनको नहीं आने देता, उनको कहता है आप रुको या आप यहीं बैठो। समझ में आई, फिल्ट्रेशन यहाँ तक हुआ। फिर उसको आगे लिख रहे हैं हम लोग, जो रिजल्टिंग फिल्ट्रेट है दैट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट, लेकिन साथ ही साथ में उसमें एसेंशियल आयंस भी आ जाते हैं काफ़ी सारे, मैंने आपको बताया थे कौन से, ग्लूकोज भी आता है, अमीनो एसिड्स भी आते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स भी उसमें आ जाते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात है यार, वो तो अपने काम की चीज़ें हैं, वो वापस चाहिए अपने को। तो फिल्ट्रेट जब एग्जिट करता है ग्लोमेरुलस से, वो फ्लो करता है डक्ट में इन द नेफ्रॉन कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। जो पूरा पाइप था पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इस पूरे को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल बोल तो किडनी, किडनी में नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल है उसको हम लोग बोल रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो उसमें से ये पास करता है, पूरा का पूरा फ्लो करता है। एज इट मूव्स, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जो नीडेड सब्सटेंसेस हैं, जैसे पानी का अमाउंट है कुछ एक, या उसके अलावा जो बाकी भी चीजें थी, वो सब क्या होते हैं, थ्रू द ट्यूब वॉल इनटू एडजेसेंट
कैपिलरीज, उनका क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। जो भी काम की चीजें हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तीन बातें याद रखनी, फिल्ट्रेशन पहला स्टेप, सेकंड क्या था हमारे पास में, रीअब्सॉर्प्शन, अभी देखा हमने रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा हमारे पास में इसके बाद क्या है, सिक्रीशन, दैट्स इट। क्लियर हुआ आपको ये वाली बात? अब देखो एक छोटी सी चीज है, इस लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेंगे अपन, क्या छोटी सी चीज है, अगर मान लो हमारी बॉडी में या किसी भी ह्यूमन की बॉडी में किडनी में गड़बड़ हो जाए, किडनी खराब हो जाए, किडनी हो जाता है ना, किडनी डोनेट करते हैं लोग, एक किडनी पर रह रहे होते हैं काफी लोग अपने, तो दो दो किडनीज हैं, तो फिर क्या, या काफी लोगों के प्रॉब्लम होती है, किडनीज ठीक से काम नहीं करती, कुछ एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स के पास मशीन होती है, ऐसे कंप्यूटर जैसे लगा रहता है स्क्रीन, स्क्रीन और मशीन होती है उसमें, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, या उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि एक इंसान की किडनीज तो काम नहीं कर रही, तो उसे हफ्ते दर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता है 4-5 दिन में, और फिर वहां पर डॉक्टर्स उसके यहाँ पे कुछ सुई वुई लगाते हैं, ऐसे ब्लड को बाहर निकालते हैं, एक मशीन में डालते हैं पूरा ब्लड को, वो मशीन क्या करती है, जो काम हमारे शरीर में किडनी कर रही है वो मशीन करती है, और वो मशीन किसको क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल किडनी, तो मशीन करती है, और फिर साफ खून जो है उसको वापस ला करके उसके बॉडी में दूसरे जगह से इंजेक्ट करके डाल देते हैं, और उनको ये प्रोसेस हर 4-5 दिन में, 4-5 दिन में करवाना पड़ता है। बहुत महंगा प्रोसेस, मतलब बहुत महंगा तो नहीं है लेकिन, बट कंटिन्यूसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में भी होता है, लेकिन है ना 1100, 1500, 4000, 2000 रुपये अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसके पर सिटिंग के, पर चार्ज, पर टाइम लगते हैं। तो आप देखो यहाँ पर शुरू में हमें यही समझा रखा है, ये हमारी बुक का ही फोटो है, कि भाई किडनीज बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है हमारे सर्वाइवल के लिए, और उसमें क्या होता है अगर किडनी जो है काम नहीं कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी जो एक डिवाइस है उसको यूज़ करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाने के लिए, और इसमें से हम ये कैसे कर पाते हैं, डायलिसिस की हेल्प से इसको हम लोग कर पाते हैं। तो मैं डायग्राम में से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो क्या होती है, ट्यूबिंग मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो ब्लड है इसको यहाँ से पास करवाते हैं, एक पंप होता है ताकि वो पंप ब्लड को थोड़ा सा आगे पुश कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी से जो इतना सारा ब्लड आ रहा है वो इतना ज़्यादा प्रेशर से नहीं आ रहा कि अपने आप पहुँच जाएगा, तो उसको पंप करते हैं। फिर ये एक बड़ा सा मान लो चेंबर है, इसमें अलग अलग पाइप लगे हुए हैं, और उन पाइप के बाहर ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, येलो येलो, ये येलो कलर का एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। देखो यहाँ लिखा है, क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग, प्रोसेस का नाम क्या है, डायलिसिस, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। होता क्या है कि ना, इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, तो होता क्या है कि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है, इस सॉल्यूशन में नहीं है, तो क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो जो वेस्ट है वो बहने लग जाता है अपने आप से। तो ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और जो अमोनिया, अमोनिया तो नहीं, वो तो हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं वापस, लेकिन यूरिया, यूरिक एसिड जो है, क्रिएटिनिन जो है, ये जो वेस्ट वाली चीज है उसको निकाल देते हैं बाहर। तो ये सॉल्यूशन को हम लोग देखो यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, बोला यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, फिर इसको बाहर डोल दो जाके, वो नाली वाली में चला जाता है, और ये जो ब्लड है ये फिर फिल्टर हो जाता है, तो इस ब्लड को वापस उस इंसान के अंदर बॉडी में डाल देते हैं, और क्या कह रहे हैं, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये वाला अंदर जाता रहता है और जो खराब होता रहता है वो बाहर वहां से आता रहता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है समझने को, बट हाँ वो मशीन कैसे काम करती होगी, क्या नापते हैं क्या नहीं, वो तो आप डॉक्टर बनेंगे तब हमें बताएंगे। बाकी क्या है यहाँ पर आप नोटिस करोगे, नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर अ डे। जो इनिशियल फिल्ट्रेट है एक अडल्ट में वो कितना होता है, 180 लीटर, जो मैंने आपको बताया था ना, वो 180 लीटर जो है बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारा एक्सक्रीशन का, बट ठीक है। तो हमें कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा इसको है ना संभाल के ध्यान से रखना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी चाहिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस, और अगर कोई किडनी अगर किसी की ख़राब हो जाती है, काम नहीं करती है, तो उस केस में क्या, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन इन दैट स्पेसिफिक
केस। आई होप आपको आज के लेक्चर में भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। थोड़ा सा जल्दी हो गया होगा आज का लेक्चर, लेकिन बात जो हमने की है वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थी। बार बार हमने सेम बात की है। अगर आपको फिर भी वीडियो समझने में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार ना फिर से देख लो। थोड़ा सा मैंने ज्यादा बताया है आई नो, लेकिन आप एक बार फिर से देख लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से बाय बाय।